ये उतार के ना डब्बे में रख के और चप्पल में आ जाऊंगी। तो ये मैंने कहा जॉगर्स में मैं जाऊंगी, कंफर्ट मेरी वो ब्लैक एक टी शर्ट है, पजामा है, मैंने यही पहनना है और मैं रोज भी पहन सकती हूँ। हाँ। और मैं कपड़े भी रिपीट कर देती हूँ शो पे, इस तरह की चीज़ है ना। वो प्रेशर पहले बहुत होता था, ये नहीं करना वो नहीं करना, खत्म हो गया। अच्छा फिर दूसरा, इससे मिलना है, उससे बात करनी है, नहीं, जो लोग नहीं पसंद नहीं मिलना, नहीं बात करनी, लंबी बात नहीं करनी, एक्सक्यूज कर दें, फजूल चीजें, बहुत सारी चीजें आपको निभानी है, दूसरों को प्लीज करना भी आप खत्म हो जाते हैं एक सर्टेन टाइम पे, जब आप रियलाइज करते हैं कि यार पहले खुद तो अपने आप को तो प्लीज करूं मैं, जब मैं खुश होंगी तो पूरी दुनिया को खुश रखूंगी, वरना पहले ही होता है आप पूरी दुनिया को खुश रख रहे होते हैं और आप कहीं बीच में खो जाते हैं। अच्छा एक मुझे एक फ्रेंड मिली ना, डिजाइनर फ्रेंड, फ्रेंड भी क्या, दो दफा मिले होंगे, जगह आपके अंदर आता है ना दूसरा भी महसूस करता है और दूसरा मुंह से कहना शुरू कर देता है यार ये बदल गई है, ये बदल गई है। मतलब कभी आप अगर ब्लंट है, आपकी नेचर ब्लंट है, तो आपको नहीं पता कि आपकी किसी बात से कोई हर्ट हो सकता है। और फिर जब आपके अंदर ये चेंजेस आना शुरू होते हैं कि यार ये तो हर बात का रिएक्शन क्यों फौरन नहीं देती, नहीं देना, तो फिर वो आपकी रिस्पेक्ट करना, यार इसमें पॉजिटिव चेंज आया है यार, ये पॉजिटिव चेंज, मतलब क्योंकि आपको नहीं पता कितने लोगों का दिल आपने तोड़ा अपने ब्लंट होने की वजह से। एग्जैक्टली, और बाद में तो आप दिल के बुरे नहीं है, या आपको अच्छे से पता है कि आप दिल के बुरे नहीं है, पर दूसरे को लगता है कि ये तो इतना हर्ट करती है या हर्ट करता है। नहीं, आई थिंक दूसरे को शायद जो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग बहुत बिटर होते हैं, वैसे ही उनकी नेचर ही बिटर हो जाती है फॉर व्हाटएवर सर्कमस्टेंसेस इन लाइफ और व्हाटएवर। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ उनको खुद को शायद पता होता है वो बिटर है, हाँ वो अपने आगे ना खुद वो कवर रखते हैं, दीवार रखते हैं, हाँ हम हैं ऐसी, हम ऐसे, वो होना जरूरी नहीं होता। आई थिंक यू हैव टू लेट योर गार्ड डाउन फॉर अ सेकंड, कि नहीं जरूरी नहीं है कि हर चीज का जवाब मैंने देना ही और हर बात में मुंह पे बोल देती हूं, नहीं बोलने वाली, नहीं बोलने वाली होती, मुंह पे नहीं होती, वो बाथरूम में बोलने वाली होती है। एग्जैक्टली, अपने आप को कह ले आप, वो मुंह पे ना बोले, कभी कभी आपको चीजें बुरी लग रही है आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं, यू कैन हैव अ डायलॉग विद समबडी, प्लस यू शुड नेवर स्पीक इन एंगर, या बिकॉज़ आप गुस्से में आकर आपका रिएक्शन ही रहता है। हम लोग एवरी डे, अब आप लोग ये बर्थडे केक्स खा सकते हैं क्योंकि प्रोग्राम का टाइम, मेरी तो मक्खी खा गई भाई, मेरे ख्याल में डायबिटीज हो से बचा हुआ है, यू मोर देन वेलकम। आज का प्रोग्राम बेसिकली ये रियलाइज कराने के लिए था कि आप गलतियां करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। वो कहते हैं ना, माँ बाप कहते थे हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए, वो इतना परफेक्ट जुमला है कि जो कुछ आपको आपकी एज, आपकी ठोकरें आपको सिखाती हैं, वो दुनिया की कोई किताब, दुनिया का कोई बड़ा आपको नहीं सिखा सकता। कहाँ सफेद किए थे वैसे, अगर धूप में नहीं किए थे, क्या जेनेटिक्स है, किसी के जल्दी हो जाते हैं सफेद, किसी के बाद में होते हैं, इसका धूप से कोई वाट लगा दी मेरे, उसकी मुहावरे की वाट लग चुकी, बातें बचपन से सुन रहे, सेंस ही नहीं है यार, ये क्या बात हुई महिला है, सिंस 16 हाँ, मैं 16 में हो गए, मैं अभी खुलासे के साथ समझाती हूँ, खुलासे के साथ, तशरी के साथ आपको मंदरजा बाला मुहावरे में, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।